नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस लाइन आजमगढ़ के प्रांगण में भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंडला आयुक्त आजमगढ़ विजय विश्वास पंत, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा ध्वजारोहण कर परेड का मान प्रणाम सत्कार करते हुए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार भी मौजूद रहे। अतिथिगण का स्वागत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर आजमगढ़ पंकज पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ सुधीर जायसवाल व अन्य अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा भव्य परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित 8 टोलियों का नेतृत्व प्रथम परेड कमांडर क्षेत्राधिकारी सगड़ी आजमगढ़ अजय कुमार यादव, द्वितीय परेड कमांडर क्षेत्राधिकारी लाइन्स राजेश कुमार व तृतीय परेड कमांडर छविनाथ यादव SIAP रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा परेड स्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों व जनमानस को कर्तव्य निष्ठा व यातायात नियमों का शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में जनपद के कुल 10 विभिन्न विद्यालयों संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ज्योति निकेतन स्कूल को प्रथम स्थान, सेंट्रल पब्लिक स्कूल को द्वितीय स्थान, सर्वोदय पब्लिक स्कूल को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कृत कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। मुख्य अतिथि मंडला आयुक्त महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को मुख्यालय स्तर से प्लेटिनियम चिन्ह, वाचक पुलिस अधीक्षक उप निरीक्षक राम प्रसाद को उत्कृष्ट सेवा चिन्ह, शुभनाथ यादव, संतोष कुमार छोटेलाल यादव को सराहनीय सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 73 अधिकारी और कर्मचारीगण व विद्यालय के कुल 238 छात्र छात्राओं व जनपद आजमगढ़ के कुल 19 संभ्रांत व्यक्तियों को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनपद आजमगढ़ में पुलिस बल की सहायता करने वाली सम्मानित जनता को भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। परेड दिखाता है कैसे एक और एक 11 बन सकते हैं। आपकी लय, ताल, अनुशासन, ये सब इससे प्रकट होता है। आप लोग बड़ी कठिन परिस्थिति में देश की सेवा करते हैं और हम सब आराम से रहें, किसी भी निडर रहें, किसी भी डर के बिना रहें, ये सब आपके त्याग की वजह से ही संभव है। मैं एक बार फिर आपको राज्य बनाने के लिए, राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचारों की अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की सत्ता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प।